बर्तनों को मशीन पर रखिए और देखिए कमाल। जी हाँ, सिलाई मशीन पर बर्तनों को रखने से बहुत सारी किचन के मसले हल हो जाएंगे। तो फिर से आ गई हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर से आ गई हूँ मैं एक नए टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तो बहुत सारी ख्वातीन किचन के मसले से बहुत परेशान रहती हैं, बर्तनों को के लिए भी बहुत परेशान रहती हैं। तो बहुत ही अच्छे टिप्स लेकर आई हूँ मैं। यहाँ सबसे पहला टिप्स है सभी ख्वातीन के लिए कि जब सुबह उठें, सभी आदमी और औरतें दोनों के लिए हैं कि सब सुबह उठें आप तो पानी जो है गुनगुना ज़रूर पिएं। गुनगुना पानी हमारे पेट के लिए बहुत फ़ायदा होता है। तो यहाँ पर गुनगुना पानी जब आप किसी थर्मस में या फिर जो है ग्लास में आप रखें, तो फिर उसके अंदर 3 से 4 लहसुन की कलियाँ इस तरह से छील लें और छीलने के बाद इसमें रख दें और रख के ढक दीजिए। जब सुबह उठें तो आप खाली पेट इस ग्लास के पानी को पी लीजिए। लहसुन तो ख़राब भी नहीं होगा और लहसुन एक बहुत ही अच्छा काम करता है हमारे पेट के लिए। जिसके भी पेट में डाइजेशन के मसले हैं वो सब ठीक हो जाएंगे। पीरियड पेन भी बहुत ज़्यादा जिसको होता है, कभी कभी किसी को से बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो वो भी जो है बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा उसके लिए भी। तो ये बहुत ही अच्छा टिप्स है। अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा जो है बीमारियों से ये बचाएगी तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि जो है लहसुन और गुनगुना पानी तो सुबह ज़रूर पीना चाहिए। तो दूसरा टिप्स चलिए चलते हैं। इस तरह से हम लोग जो है अक्सर ग्लव्स पहनते हैं, अगर बर्तन धोने के लिए साफ़ सफ़ाई करने के लिए इस तरह से हम लोग ग्लव्स पहनते हैं। लेकिन क्या होता है कि इसके अंदर जो है इस तरह से खुले होने की वजह से पानी चला जाता है, तो हमारे हाथ भी गीले हो जाते हैं और पूरा ग्लव्स जो है ख़राब हो जाता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग अपने हाथ को बचाने के लिए ही ग्लव्स का यूज़ करते हैं। तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस तरह से आप रबर बैंड लीजिए और रबर बैंड लेने के बाद आप अपने हाथों पे जो है इस तरह से आप पहन लीजिए और आप जो है पानी देखेंगे कि पानी बिल्कुल भी कहीं से भी पानी नहीं जाएगा और आप जो है अपनी साफ़ सफ़ाई जो है इसी एक ग्लव्स में ही कर लेंगे। और जब साफ़ सफ़ाई हो जाए तो आप इसे फिर हटा दें। तो चलिए चलते हैं तीसरे टिप्स की तरफ। तीसरा टिप्स ये है कि जब भी हम लोग कोई सामान वगैरह रखते हैं, कोई भी चीज़ें होती हैं, तो इस तरह से हम लोग उसको ओपन तो कर लेते हैं, लेकिन जब ओपन कर लेते हैं और अगर हम लोग ऐसे ही रख दें बगैर कुछ किए, तो फिर जो है वो गिरने लगते हैं। चिप्स की पन्नी होती है, बहुत सारी जो है पॉलीथीन होती है जिसमें हम लोग सामान वगैरह रखे रहते हैं, वो गिरने लगता है। तो जो है उससे जो है बचने के लिए हम बहुत ही अच्छा एक मैं ट्रिक बताऊँगी। तो फिर यहाँ पर आप जो है इस तरह से रबर बैंड लीजिए और रबर बैंड लेने के बाद आप इस तरह से फोल्ड करें। फोल्ड करने के बाद इस तरह से इसमें लगा दीजिए, आप देखेंगे कि बिल्कुल भी कहीं से भी गिरेगा नहीं। और ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है, आप इसे यूज़ करिएगा, क्योंकि अगर गिरेगा तो हमारा ही नुकसान होगा। तो इससे अच्छा है कि इस तरह से, और रबर बैंड तो सभी के घर में होता ही है, तो आप जो है इसको इस तरह से जो है लगा दीजिए। चलिए चलते हैं तीसरे टिप्स की तरफ। तीसरा टिप्स बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी हमारे किचन के लिए। हमारे बर्तनों में अक्सर क्या होता है कि बर्तन तो हम धो लेते हैं, लेकिन उसके अंदर की गंदगी जो गंदगी हो जाती है वो बिल्कुल भी हम लोग साफ़ नहीं करते। बस ऊपर ऊपर साफ़ सफ़ाई हो जाती है, लेकिन अंदर जो गंदगी जमी होती है उस पर हम लोग ध्यान ही नहीं जाता हम लोगों का। लेकिन इसी सबसे जो है बीमारियां और हम लोगों को आ जाती है सर, तो इसको जो है हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर सिलाई मशीन की सुई ले ली है, जो सिलाई मशीन में लगती है वो वाली सुई ले लीजिए। और लेने के बाद जो है आप इस तरह से किनारे जो गंदगी जमा होती है बिल्कुल निकलता नहीं है, बर्तन धोने पर भी लाख कोशिश करें नहीं निकलता, तो आप उसकी हेल्प की वजह से इस तरह से अपने चारों तरफ जो है इससे अपने प्लेट में जहाँ जहाँ भी अंदर अंदर गंदगी हो आप निकाल नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ वहाँ आप जो है अपने बर्तनों को इस सुई की हेल्प से जो है निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा टिप्स है, तो आप जो है इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं इसे अक्सर ट्राई करती हूँ, क्योंकि अक्सर खाने के बर्तनों में अगर गंदगी जमा रहेगी तो फिर हमारे पेट वगैरह में भी दिक्कत होगी और जो है इसलिए बहुत सारी बीमारियाँ आती हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी टिप्स में से आपको कौन सी टिप्स सबसे अच्छी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें। तो फिर से मिलूंगी मैं एक नए टिप्स एंड ट्रिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।